कैमरा जो है मेरे पहले के घर पे भी लगा हुआ था, वो मीरा रोड पे मेरा डुप्लेक्स फ्लैट था, हर जगह कैमरा तो मेरे हर एक फ्लैट में लगा हुआ है, हर एक घर में लगा हुआ है, जहाँ जहाँ हमारे फ्लैट से घर है। और रही बात यहाँ पर जो कैमरा लगा हुआ है, ये तो मैंने मेरे बच्चे लोग के लिए भी लगाया और हर जगह मेरे कैमरे लगे हुए थे तो भी लगाया, लेकिन इसका शातिर दिमाग, शातिर चेहरा जो मैं बोलती थी ना वो ऐसे ही नहीं बोलती थी, तो इसका जो शातिर चेहरा था और जो शातिर दिमाग था वो यही था कि चलो भाई मैं तो बैठूंगा मजे लेते हुए अपने कौन सा वो हुक्का पार्लर, सुक्का पार्लर, वो नल्ला पल्ला उसके 200 लोगों का जिसपे वो डिंगे मारते रहता है, उसके दोस्त लोग के पार्लर पे वो डिंगे मारता है, तो वो डिंगे जहां पर मारता है ना तो वो पार्लर उसके दोस्त लोग का है, उसका कुछ नहीं है, जैसे वो यहाँ डिंगे मारता था ये फ्लैट में रहा वो फ्लैट में रहा। अरे सुनो दोस्त लोग, आप लोग भी अपनी चीज अपनी ही बताया करा करा करो, कहा ऐसा ना हो जाए जैसे अभी मैंने ऐसी दिखाने के लिए मेरा खुद का आदमी होके, मेरा खुद का हस्बैंड होके आज मेरे ही बोलते ना मेरे ही ऊपर डबल वार कर गया कि ये भी मेरा वो भी मेरा, कहा ऐसा आप लोगों के साथ ना हो जाए दोस्तों, तो आप लोग जरा ध्यान दीजिए अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो, कहा ऐसा ना हो जाए कि ये सब तो मेरा था वो सब तो मेरा था, इन लोग ने मुझे वो किया डिच किया और इन लोग ने मेरे को पार्टनरशिप से ये कर दिया, बोले दखल कर दिया। तो प्लीज अपनी चीज खुद जो अपनी होती है वो अपनी बताया जाए, क्योंकि मेरे पे बीत चुकी है इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो रही कैमरा की बात, तो आपने सुन लिया कैमरा में मुझे एक तरीके का कैद भी था, सब कुछ था, लेकिन ये कैमरे ने तो बहुत ही बड़ा जलवा दिखाया, कैमरे ने ही मेरा साथ दिया। अभी मेरे पास ऐसे ऐसे प्रूफ है ना, अगर देखोगे ना तो आप लोग बोलोगे कि ये हाजी भाईजान है या जानवर भाईजान है, ये ऐसा हो जाएगा ठीक है। तो जानवर, अगर जानवर को देखना है तो फिर मैं ये तीसरे ब्लॉक में डाल रही हूँ वो देखना, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ, तो पहले इसकी कहानी इसमें खत्म कर देती हूँ, और मारना और करना और जो जानवर बन रहा है ना जिसमें अपनी हरकतें दिखा रहा है, वो जो हाजी भाईजान आपका, और वो आपका ऐसा भाईजान कि ऐसा मर्द आपको चिराग ढूंढने से भी नहीं मिले, ये सब जो आप लोगों के डायलॉग थे, अरे ऐसा मर्द कहाँ मिलेगा आपको। और सुनो ना, वो जो झाड़ू पोता बर्तन वो सब दिखा हुआ था, वो खाली एक खाली ऐसा करता था, वीडियो में आ जाता था, क्या क्या हाथ धो लेता था, खाने में खाली तपेला ही लाता था, उसको बोलो ना एक बिरयानी अक्की पूरी लाइव खड़े रखे बना के दिखाए, नहीं कर पाएगा, और पूरी लाइव एक सेकंड के लिए हटने का नहीं, और पूरा मसाला रेडी करके माँ को देने नहीं बोलना, बहन को देने नहीं बोलना, और नल्ली बिरयानी बनेगी माँ और बहन की, जो बिरयानी की रेसिपी बनाता था ना मेरे साथ, जो मैं रेसिपी देती थी ये डालो वो डालो उधर, अरे असली गेम की खिलाड़ी तो मैं थी, ये तो खाली वो था, क्या बोलते सो चेहरे पे चेहरे। देखो ना, हंसी भी आती है दुख भी होता है, लेकिन क्या करेंगे, बोलते ना बताना जरूरी हो गया इस बार, क्योंकि काफी ज्यादा हद से ज्यादा टॉर्चर मार दिया इसने मेरे को, मैं नहीं चाहती थी बताना कुछ भी, लेकिन बहुत ज्यादा टॉर्चर किया तुमने मेरे को, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, और भी मेरे पास बहुत कुछ है, और अगर जैसे जैसे करोगे ना जो बोलना है बोलो, रंडी छिनाल बार वाली जो वाली, जैसे सब औरत लोग के बारे में मुझे बोलते थे ना, शौक से बोल सकते हो, मैं खुद बोलूंगी, तुम बोलो मैं, तुम क्या बोलोगे, मैं खुद बोलती हूँ ठीक है। चल ठीक है, जो बोलना है बोल सकते हो, मैं खुले आम रेडियो बोलने के लिए, मेरे को कोई शर्म नहीं है, मेरा आदमी पहले वाला बार डांसर ये लाइसेंस ये सब 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 ये काय का लाइसेंस क्या बोलते हो उसको, लिकर का लाइसेंस, ये लाइसेंस वो लाइसेंस, सब का पार्ट अभी आया जाएगा, सब का पार्ट अभी डालूंगी कि मेरा क्या क्या है, मेरे दुबई में क्या क्या प्रॉपर्टी है, मेरे दुबई में क्या क्या चलता है, कौन सा बार चलता है, कौन सी वाइन शॉप चलती है, सब ग्रुप के साथ मैं डालूंगी, और कौन सा हुक्का पार्लर, अरे ये लुक्के सुक्के हुक्के पार्लर चला के बताएगी क्या, मेरा 20% ये है ये है, हम नहीं बताते मेरा 20% ये वो है, हम तो डायरेक्ट मतलब अपने दिल में रखते हैं, और जब जाएंगे तो शान से बोलते हैं हाँ भाई मेरा है, और मैं शान से बोलूंगी जिस दिन मैं जाऊंगी उधर पे ठीक है, तो वो भी दिखाया जाएगा, वो भी बताया जाएगा, और ये सब है ना डिंगे मारना जरा कम करो, हर औरत को इतना कमजोर मत समझो, हर औरत को रेपुटेशन खराब करके मत बोलो, जब छोड़ने की बात आती है, जब छोड़ने वाले रहते हो ना, ये तो बार वाली थी, ये तो गंदी बास वाली थी, ये तो वो वाली थी, ये तो बोल रही थी उसकी जो पहली औरत थी जो कि बेचारी रीनू रेना राना रेना क्या नाम था, रीनू के कुछ ऐसा था उसका नाम, पहली औरत का बिचारी का, उसको बार वाली कहला रहा था ये मेरे को बोल रहा था, और तो और वो भी 3 महीने में डर के बिचारी भाग गई, बच्चे तेरे पास रख भाई मेरे को मार नहीं खाने का, बच्चा रहेगा तो मैं मार खा खा के मेरे को मार देगा, बच्चे के चक्कर में मैं क्यों मार खाऊं, तो वो भी भाग गई, तो तब तो सोशल मीडिया नहीं था, तब तो रो रो के अरे मेरे बच्चे को छोड़ के भागी, रीनू ने बोला नहीं, लेकिन बिचारी को एक बात मैं सलूट करना चाहूंगी, वो बिचारी हिंदू से मुस्लिम बनी, बोलो इतना प्यार का मुखोटा चढ़ गया था उस पे कि हिंदू से मुस्लिम बनी वो औरत, और उसको भी मार मार के इसने ना उसको भी ढंग से नहीं रखा, 3 महीने में वो भाग गई, बच्चा पैदा करी 3 महीने का बच्चा छोड़ के भाग गई वो इसकी मार की वजह से, उसकी मार कैसी होती पता है, एक है ना जेलर भी ऐसा नहीं मारेगा, आपको विश्वास नहीं होता है ना, नेक्स्ट ब्लॉक में देखना जरूर विश्वास होगा, और सुनो हर दोनों तरफा सुनना, मैंने हमेशा क्या बोला मेरे पास प्रूफ है, दोनों तरफा सुनना और बाद में आके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या सच बोला मैंने या झूठ बोला, क्या आपको सबूत चाहिए, तो फिर मैं क्या करूंगी मैं उसका सबूतों के साथ वीडियो बनाना चालू करूंगी, और फिर बाद में अभी चलो पॉइंट पे आ जाते हैं, ज्यादा वीडियो घुमा रही हूं मैं, तो ये वीडियो भी फिर मैं यहां पर ही खत्म कर दूंगी, क्योंकि क्या ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या और भी ब्लॉग डालना है ना मुझे, और बात बताना चाहूंगी वीजा और एजल को ना वो चैप्टर आपको दूसरे पार्ट में दिखेगा, इसमें ना थोड़ा कट शॉर्ट में बताती हूँ, तो क्या हुआ ये मतलब ना मुझे कंटिन्यू मारने लगा, इसको नहीं बुलाना उसको नहीं मिलाना ये सब, जैसे मैंने आगे बताया, फिर हुआ क्या झगड़े बहुत होने लगे, मेरी शादी को ना 7 महीना हो गया इसके साथ, जो 2018 में हुई थी ना 7-8 महीना हुआ ना, तो एक दिन ना इसने मुझे इतना मारा कि उसकी हदने में बेवश हो गई थी, मुझे गला वाला दबा के मतलब ना एकदम मारने की कोशिश कर दिया था, मतलब मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगी, तो मैंने क्या किया ये जिम गया था याद है तुझे, ये जिम गया था, हाँ तो जिम गया था, तो मैंने क्या करी मेरा बैग पैक करी और इसका बैग पैक करी तुले राजा का, जो कि मेरे पास ये रह रहा था ना क्या बोलते इसको
घर जवाई बनके, तो घर जवाई का पैक पैक करी और बाहर फेंक दी, क्योंकि जिम जाता था तो 4-5 घंटे से पहले नहीं आता था। जिम जाना आना और खाली पॉकेट की रोटी तोड़ना, खाली मेरा ही खाना, मेरा ही खाना, मेरा कार्ड स्वाइप मारना और मेरा ही खाना, कांदा बटाटा लहसुन टमाटर और क्या होता है इसको गोश्त, खाली ये लाता था। वहां मैं झूठ नहीं बोलूंगी, 10,000 की जो बात हुई थी वो तो देता ही नहीं था, 10,000 में ये सारा सामान लाता था, बिल्कुल लाता था। मैं नहीं बोलूंगी कि उसने कुछ नहीं लाया, ये लाता था कांदा बटाटा लहसुन अदरक यानी कि भाजी तरकारी और उसका गोश्त, यानी उसका गोश्त नहीं, ये गाय का गोश्त, जो गोश्त वो खाता है वो गोश्त लेके आता था। घर का खर्चा वो मेरा नहीं चलाया, ना मेरे बच्चे लोगों की फीस, ना मेरे बच्चे लोगों का कोई भी खर्चा या कुछ भी। जो मेरा कैश में जो भी पैसा आता था, जैसे कभी रेंट कोई चेक से नहीं दे पा रहा, चेक बाउंस हो गया या कहीं से कैश आ गया थोड़ा बहुत जो भी है, तो मैं बोलती थी जान आपके अकाउंट में डाल लो और तुम मेरे अकाउंट में डाल दो, ऐसा करते थे हम लोग। तो वही मतलब अकाउंट टू अकाउंट खेल खेलता था, खाली खेल होते थे और कुछ नहीं, देता नहीं था मुझे, है ना। और वही चीजें उसके पास दिखाने के लिए आप लोगों को, और वही दिखाएगा, ये देखो मैंने ये दिया, ये देखो ये दिया, ये दिया, वही दिखाएगा, वो भी चुरकुट चुरकुट अमाउंट दिखाएगा, भी तो चुरकुट अमाउंट 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का और कुछ नहीं। और बीच में मेरी दो दुकान भी की थी, उसका भी कुछ 25-30 लाख रुपया आया था, जो कि थोड़ा करके वो कैश में जमा किए थे हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने उनसे लिखा के लिया था और कैश में ही लिया था वो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कैश था तो वो भी दिखाएगा कि वो भी मैंने दिया था करके, वो आप लोगों को दिखाएगा, मैं अभी से बोल रही हूँ, क्योंकि जो आया था वो आया था, मेरे पास लिखा हुआ, मेरे पास रिसीप है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। हाँ, फिर हुआ क्या, मुझे फिर अच्छा नहीं लगा, मेरे को उसके साथ नहीं रहना था, तो मैं मेरी मम्मी के इधर चली गई, थोड़ा ताला वाला मार के उसका बैग बाहर फेंक के, हाँ बाहर फेंक के चली गई। तो मेरी मम्मी ने बोला अभी तो इधर आ गई, तो मुझे ना फिर ये जिम से आया, हाँ तो ताला देख लिया, तो ये जुनून हो गया, ये वो गाली मतलब गंदी गंदी, वही वही इसकी औकात पे आ गया, फिर इसकी औकात पे आके गाली देने लगा, ये करने लगा, सब गंदी गंदी बात बोलने लगा, फलाना डिंका, मतलब बहुत गंदी गंदी बात, वो लेवल की, वो झोपड़पट्टी वाले लेवल की, हाँ वो सब करने लगा, झोपड़पट्टी लेवल एकदम कर दिया अपना। फिर वो करने के बाद मैंने बोला देखो मैं आपके साथ नहीं रह सकती, आप अपना बैग लेके जाइए, अपने घर पे जाइए, अपनी मम्मी के पास रहिए, मेरे को अभी तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो फिर बस 2-3 दिन में तो आई नहीं, मेरी मम्मी के घर पे थी, और फिर बाद में मेरी मम्मी को मैंने बोला मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे इसको अलग कर दो। तो फिर हम लोग ने कुला वगैरह का, जिसको बोले तलाक, तो बोला तलाक तो हरगिज़ दूंगा नहीं, तो हम लोग ने, मेरे भाई ने और मेरे डैडी ने, मेरी मम्मी ने, सबने मिलकर कुला नामा का ऐसा पता लगा कि कुला नामा होता है क्या, तो सब लोग ने मिलकर मतलब कुला का डिसीजन लिया कि भाई ये बंदे से पीछा छुड़वाना, क्योंकि बहुत मारता है। और कुछ नहीं, इसमें सारी खूबी अच्छी है, मैं नहीं बोलूंगी कि ये गलत है, बहुत अच्छी अच्छी खूबी भी है, लेकिन एक बहुत बुरी आदत यह है कि वो मारता है और अपनी बीवी का हक उसको देता नहीं है, जो कि है खर्चा पानी। मानती हूँ मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, लेकिन एक गरीब से गरीब, एक जो रिक्शे वाला है, वो रिक्शे वाला भी कम से कम अपनी औरत को 1,000 रुपया या 500 रुपया तो देता है। तो मैंने बस इतना, जब मैं बोलती हूँ ना एक रिक्शे वाला भी 500-1,000 रुपया देता है, तो डायरेक्ट ना आंग पे आएगा मुझे मारने के लिए, बार बार मुझे मारने के लिए आंग पे आ जाएगा, बार बार मुझे मारने के लिए आंग पे आ जाएगा। रिक्शे वाले की काउंटिंग करेगी, ये करेगी, वो करेगी, मतलब एक एग्जाम्पल मैं देती थी कि जान देखो ना एक रिक्शे वाला भी है ना, तो वो भी एक अपनी औरत को देता है, मुझे भी खुशी होगी, तुम दो, कहां पे भी जाऊं जानने दिलाए, कहां पर भी जाओ जानने दिलाए, मैं खुद मेरे पैसे से ले रही हूं, मैं खुद मेरे चीज से कर रही हूं, लेकिन मुझे मजबूरन मेरी जान का नाम रोशन करना था ना, ये जो आपके भाई जान है उनका नाम रोशन करना था, मेरे आदमी को आप लोगों के सामने अच्छा दिखाना था। फिर भी 7 साल बस बहुत अच्छा लिखा है, इतना 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 मारा, इतना मारा, फिर भी मैं बोलती जानने मारने दे, कहाँ जाऊंगी मैं, इतना करोड़ रुपए कौन है मेरे साथ, कौन क्या की जिंदगी है मेरी, मेरा आदमी है ना, जान दो ना क्या खाएगा, खाएगा भी तो क्या खाएगा, जान दो नहीं चाहिए, जान तुम्हारे पास नहीं है ना, मत दो मुझे, देखो तुम्हारे पास जब आएगा तब। ये मेरी यही चीजें रहती थी उनसे, मैं पैसा कभी नहीं मांगी, मेरा झूठ ये बोल दो उनको, कुरान कसम हाथ रख के कि भाई खाते तू बोल दे कि मैं तेरे को बोलती थी कि पैसा दे पैसा दे, कभी नहीं, जान नहीं है ना, जान दो, अपना भाड़ा आता है ना, जान काहे के लिए तुम टेंशन लेते हो, जब नहीं आएगा ना अपने पास कुछ नहीं रहेगा तब मैं तुमको बोलूंगी, ऐसा करके ऐसा मैं बोलती थी उनको। लेकिन इसने इतना मुझे मजबूर कर दिया कि मेरे को मजबूरन इससे इतना लड़ झगड़ के इतना परेशान किया कि मेरे को परेशान होकर इससे कूला लेना पड़ा, इतनी बड़ी मस्जिद में मेरे को रिक्वेस्ट करनी पड़ी, बहुत बड़े बड़े लोग आए, मौलाना आए बड़े बड़े, और बोले भाई तू बहुत मारता, मेरे पास फोटो थी ना मारने वाली, तो मैंने उन लोगों को दिखाया, तब जाके उन लोगों ने बोला कि तुम्हारा ये जो एक हाथ है ऐसा, उसका हाथ किया ज्वाइंट किया, बोले ये एक हाथ तुम्हारा, ये दो हाथ रिजवाना का, एक हाथ तुम्हारा है हाजी, ऐसा बोला मेरे मौलाना ने, हमारे जो मौलाना थे वहां के, बोले हाँ ये तो अच्छा, तो ये हाथ से जब तुम मारते होगे तुम्हारी वाइफ को तो कितना लगता होगा, और एक औरत को तुम इतना कैसे मार सकते हो, ये किसके बड़ी थे, हमारे मौलाना के। बस उन्होंने इतना बोला और बोला बेटा अब ये तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है, इंशाल्लाह कभी आगे देखना आपका फ्यूचर बने तो आप आगे साथ में चलना, मैं तो कुला करा के दे रहा हूँ। तो उसके माइंड में सब लोगों ने ये डाला था कि अभी फिलहाल के लिए कुला कर ले, बाद में देखेंगे। तो हमारा कुला हुआ 2000 कब हुआ मैं आपको तारीख के साथ बताती हूँ, एक सेकंड। हाँ तो गाइज मैं आपको दिखा रही थी कि मेरे डॉक्यूमेंट्स दिखा रही थी, निका नामा, क्या आप देखना चाहोगे मेरा निका नामा, ये देखो मेरा निका नामा, ये देखिए ये 24 तारीख लिखी है क्योंकि 24 तारीख को निकानामा बन के आया था, लेकिन शादी 19 को हुई थी, 19 जुलाई को, तो ये देखो हकीकत जो शादी हुई थी मेरी निकानामा की। और दूसरा उसके बाद कुला कब हुआ, जो कुला मेरा हुआ था उनसे, ये देखो कुलानामा, यहाँ पर देखो कुलानामा और यहाँ पर तारीख देख रहे हो 18/5/2019, ये देखिए गाइस देखिए सबूत मेरे पास बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ है, तो पंगे लेने के पहले सोच लेना, पूरा खानदान का सबूत है मेरे पास, एक एक फिल्ली उड़ा दूंगी फिल्ली, और मेरी फिल्ली उड़ाना जितनी उड़ा लो, मेरा तो कुछ नहीं जाता, तुम तेरे जैसे लोग बोलते हैं ना औरत की इज्जत जाएगी, जी नहीं आदमी की इज्जत भी जाती है जब औरत अपनी औकात पे आ जाएगी, तो समझा, तो मत छेड़ना मुझे अभी, जैसे फिल्ली उड़ाऊंगी ना कि पूछने की बात नहीं, इतने बंच है मेरे पास, और ये बंच में क्या है पता है, पूरा का पूरा इसका चिट्टा पिट्टा है कि कितने पे क्या क्या केस है क्या क्या नहीं है, वो भी केस नंबर के साथ, फिर तो पेन पेपर बुक लेके बैठना पड़ेगा आपको, तो मैं नहीं चाहती वो भी करूं मैं, तो मैं सीधा सीधा यही बोलना चाहूंगी कि भाई जितना उतने में रहने दो, ज्यादा उड़ाओगे तो फिर मैं भी फिल्ली बना दूंगी मैं,
तो एक सेकंड में बात भूल गई हूँ, मैंने कुलानामा दिखाया और उसके बाद क्या हुआ, अरे हाँ टिकटॉक के टाइम पर आप लोग बोल रहे थे ना अलग हो गए अलग हो गए, याद है कौन कौन टिकटॉक पे मुझे फॉलो करता था, सब बोल रहे थे और फिर मैंने टिकटॉक के टाइम पे 10 लाख जकात फितरा बांटी थी, याद है जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना किसको याद है। तो वो टाइम पे ये मेरे से अलग हुआ, ये जकात फितरा भी मुझे देने नहीं देता था, ये साला नासूर, नासूर ही बोलते ना उसको, क्या बोलते क्या मालूम नहीं, जकात फितरा भी देने नहीं देता था, इतना लाख दे रही इतना लाख दे रही, और तो और मैं तो दिल से बांटती थी। और आज भी मैंने इतना मारा मुझे इसने, इतना मारा मेरी हड्डी हड्डी पुर्जा पुर्जा, मेरा जो दिमाग का जो ये है डैमेज हुआ है वो 5 mm हुआ है, वो नेक्स्ट ब्लॉक में आएगा, वो सब नेक्स्ट ब्लॉक में आएगा, मारा कैसे पूरे डॉक्यूमेंट्स मेडिकल जो मेरा मेडिकल हुआ है वो सब नेक्स्ट ब्लॉक में आएगा, लेकिन ये ब्लॉक में मैं इसकी स्टोरी थोड़ी बहुत डाल रही हूँ, अगर ये मेरे मुंह को लगेगा तो और भी डालूंगी, मेरे पास पूरा हिस्ट्री इसकी पूरी निकाल ली और वैसे तो मेरे पास हिस्ट्री आ गई है पूरी और थी भी। तो फिर खुला हो गया, हाँ तो खुला हो गया, तो फिर बाद में क्या किया पता है, एक महीने के बाद, एक महीना शांत बैठा था ये, फिर एक ना छटेली कोई थी उसको लेके बाइक पे घुमा, जो बाइक मैंने इसको दिलाई थी, वो छटेली को लेके बाइक पे घुमा, कौन सी हीरोइन थी क्या वो एकदम बपकर वो टिंगनी जैसी थी एकदम, पता नहीं कौन थी वो, आप लोगों ने देखा होगा, कौन कौन ने देखा था लिखना जरूर। फिर घुमा 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 फिर वो समझा, अरे ये तो छटेली है नली बे, ये तो नली है, इसकी 10 बॉयफ्रेंड हो गया, 10 बार उसको फोन आता था ना, जो लगा छटेली थी ये थी, उसको तो तुमको जलाने के लिए किया था ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली उसके टाइप की नहीं निकली, इसको कैसी चाहिए, मैं कौन सी टाइप की चाहिए, नोट वाली, तो नोट वाली नहीं निकली बेचारी, खुद गरीब थी वो, खुद झोपड़पट्टी में रहती थी, जो इसको मिली थी टिकटॉक के जमाने में, जब उसको मैं क्या करी थी कुला करी थी, तो टिकटॉक के जमाने में उसको मिली थी, तो मुझे छोड़ के उसके साथ एक डेढ़ महीना घुमा 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 घुमा, खूब मुझे बोलने की भी कोशिश किया और खूब बहुत अच्छे अच्छे वीडियो भी डाल रहा था, गम भरे दुख भरे याद वाले ऐसा वैसा, तो फिर भी मेरे को ऐसा लगता था यार मुझे भी याद आती थी मेरी जान दो। फिर मैंने सेकंड क्लास जा रही यार ये तो लड़की तुरंत पटा लिया, इसकी क्या औकात है। फिर क्या हुआ पता है, फिर उसको छोड़ दिया, लड़की को छोड़ दिया, फिर ना अचानक से मुझे मैसेज करने लगा, फिर ना एक ना वीडियो है टिकटॉक का, वीडियो है मेरे पास ना सेव है, वो वीडियो मेरे पास सेव है, तो वो टिकटॉक की वीडियो पे जाके ना लोट के पानी में ऐसे बारिश के पानी में गंदा सा उसका पता नहीं क्या है उसमें लोट लोट के रो के वीडियो बना रहा है और बना रहा वीडियो, तो वो वीडियो भी मैं शेयर करूंगी बाद में वाले में, अभी तो मेरे को मालूम नहीं किधर है वीडियो, तो वो भी बना रहा था और किस किसने देखा भी होगा टिकटॉक पे, तो बना रहा था, तो मैंने जान दो इंसान को माफ कर देते। फिर ना धीरे धीरे मेरे से मुलाकात करने लगा, मिलने लगा, ऐसा वैसा ऐसा वैसा, फिर मुझे पटाने लगा, फिर पटा पटा के फिर ना मुझे पटा के कहां लेके गया पता है तुम लोगों को, बांद्रा कोर्ट, फिर से मैंने उसे शादी कर लिया इसने एक रंडी से, जो नाचने वाली जिसका बियर बार है, जो बार में नाचती है, यानी कि मैं बार में नाचती हूँ ऐसा ये ऐसा कहलाता है, ये पूरी दुनिया में फैलाता है, अब मुझे पता नहीं फैलाया कि नहीं फैलाया, लेकिन अभी जरूर फैलाएगा मेरे बारे में क्योंकि ये हमेशा सबको बोलता है, और सब जितनी भी औरत इससे ना दूर होती है ना, तो सब औरत लोगों के बारे में खाली एक ही बात बोलेगा, बार वाली थी, नचन्नी थी, धोखेबाज थी, ये थी वो थी, ऐसा बोलता है। तो हाँ तो मतलब क्या बोली थी मैं, भूल गई यार एक सेकंड प्लीज, तो वो तो मैं भूल गई। तो फिर है ना क्या करता है पता है, फिर बेलाता है, पुसलाता है, ये करता है वो करता है, मतलब गलत 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 हर लड़की के बारे में ऐसा बोल देगा कि मतलब सामने वाली, मैं दूसरी लड़की के पास जाऊँ ना तो दूसरी लड़की समझे अच्छा ये ऐसी थी, चलो बेचारा नहीं है, ये बहुत हरामी है, ये बहुत बेकार है, बहुत शैतान है, बहुत क्या बोलते हैं ना, बहुत गलीज बोलते ना, गलीज है गलीज ठीक है। तो जो भी जाना बहनों संभल के जाना, जरूर जाना, बिल्कुल जाना, लेकिन ये बाद में छोड़ने के बाद ये सारी चीजें बोलता है वो, तो मम्मा टम्मा जम्मा सम्मा ये सब कर रहा था, जिसका जो है छोटा सा उदाहरण यहाँ पर देखिए एक छोटे से मैसेज के जरिए। गाइज ये आप देख सकते हो इसके मैसेंजर के मैसेजेस रहे हैं फेसबुक वाले, जो कि मैंने तरफ भी इसको ब्लॉक किया, मम्मा टम्मा चम्मा वाले। हाँ तो देखा आपने वो क्लिप मम्मा टम्मा चम्मा की, और बिफोर एंड आफ्टर तो इसके ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, पहले में दिखता था भैया ये देखो फोटो देखो, फिर मैं दिखता था ऐसा, फिर मैं दिखता था वैसा, फिर मुझे मिली रिजवाना जो कि थी बहुत ही करोड़पति, फिर उसने पहनाया मुझे ब्रांडेड कपड़े, फिर मैं ऐसे दिखने लगा, पहले मैं ऐसे दिखता था, फिर मैं ऐसे दिखने लगा, है ना। तो देखते जाइए सारी क्लिप है। अभी एक काम करते हैं, फिर हम गए ये थोड़ा बांद्रा तक का जो शादी किया ना, फिर से शादी किया इसने मेरे साथ, तो वो तक बता देती हूँ, फिर बाद में स्टोरी जो स्टार्ट होगी लॉकडाउन जब लग गया था, फिर वहां से स्टोरी पार्ट 2 या पार्ट 3 से स्टार्ट करूंगी मैं, अभी फिलहाल के लिए इतना ही। हाँ तो फिर इसने मुझे लेके चला गया किधर, बांद्रा कोर्ट लेके गया, फिर बांद्रा कोर्ट लेके जाके ना मेरे से मुझे मम्मा टम्मा चम्मा फम्मा करा, बहुत सारा कुछ किया, और फिर ना इसने वापस से मेरे से निकाह कर लिया 2020 में। यहाँ पर देखो 2020 ठीक है, लॉकडाउन लगने के पहले या लॉकडाउन के पास पास ही था शायद, लॉकडाउन भी लगा हुआ था मेरे को याद नहीं है। तो इसने मेरे से निकाह किया, मेरे को माफी मांगा, हाथ पैर जोड़ा, नई जान मैं नहीं करूंगा, तुम दुनिया में सबसे अच्छी हो, मेरे को ऐसी वाइफ ऐसी चीज मेरे को कभी नहीं मिली जो तुम मिले हो, पता नहीं क्या क्या था उसका, मतलब वही होते ना फेकम फाकी बड़े बड़े थे, जैसे फेकम फाकी कर रहा है बच्चे लोगों को बिठा के गोद में, और रही बच्चे लोगों की बात तो बच्चे लोग तो मेरे हैं और मैं बच्चे लोगों को दिलो जान से चाहती हूँ, और इंशाल्लाह मैं कोर्ट के जरिए जरूर लूंगी, ये नहीं करना चाहूंगी कि वो मेरे साथ रहे और बच्चे लोग भी मेरे साथ रहे और बच्चे लोग के सामने मुझे इतना मारे बच्चे लोगों के होते हुए मुझे वो भी रहे मेरे साथ और मुझे मारे और बच्चे लोग को के चक्कर में मैं मेरे साथ उसको रखूं और मां खाते खाते नहीं मर जाऊं, फिर बच्चे लोगों को क्या होगा, आप लोगों ने तो ये बात नहीं सोची। तो चलिए ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, तो फिलहाल के लिए तो अभी मैंने शादी कर लिया, यानी कि शादी जो अभी आपको दिखाया ना 2020 मैंने शादी कर लिया मतलब, और उसकी आगे की जिंदगी अगर देखनी है तो आगे के ब्लॉग में कंटिन्यू करी जाएगी, क्योंकि ज्यादा लंबा ब्लॉग होगा इसलिए मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाया जाए। तो चलिए ये ब्लॉग अभी मैं यहाँ पर ही खत्म करती हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग जरूर देखना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक मत करना, और मुझे कोई सब्सक्राइब नहीं भी करेगा तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को बस मेरे पे अपने आप पे विश्वास है, इंशाल्लाह मेरा होगा तो अपने आप से मैं खाने बनाने में बहुत माहिर हूँ, मैं अपने आप से करा लूंगी, वो हो जाएगा मेरा ठीक है, आप लोग तो मेरे सपोर्ट में हो ही हो जो मेरे अपने हो। तो चलिए ये वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करते हैं, एक नए ब्लॉग के साथ, एक नवी स्टोरी के साथ, एक नवे चेहरे के साथ बहुत जल्द पेश हुआ जाएगा। तो चलिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।